हेलो दोस्तों, आज हम एक नए पीएचडी एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले सब्जेक्ट बताए हैं कि किन किन सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन के अंदर मांगा गया है एडमिशन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, आईटी एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पीएचडी का स्ट्रक्चर वगैरह बताया गया है कि किस प्रकार से रहेगा। तो इन्होंने बताया कि कोर्स वर्क और कॉम्प्रेहेंसिव एग्जाम होगा आपका 2 साल के तक, और थीसिस प्रपोजल भी रहेगा 2 साल तक। उसके बाद में आपकी थीसिस, आगे आपके जो रिसर्च का वर्क है वो स्टार्ट रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बताया है कि आपको 40,000 मिलेंगे 2 साल तक, और उसके 2 साल के बाद में आपको 45,000 मिलेंगे। और आगे इन्होंने बताया कि आपको 50,000 रुपये ग्रांट मिलेगा लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए, और 25,000 रुपये की आपकी कंटिजेंसी रहेगी, और 175,000 आपको कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप वगैरह अटेंड करने के लिए आपको दिए जाएंगे। तो ये कुछ डिटेल्स है। अब हम इनकी अदर डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस के अंदर इन्होंने सबसे पहले एलिजिबिलिटी वगैरह के अंदर बात की है, तो हम बेसिक एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं इनके अंदर। इन्होंने बताया कि आपको मास्टर डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या इसके इक्विवेलेंट किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो फर्स्ट क्लास के साथ में, वो आवेदन कर सकते हैं। और यदि बीटेक फोर्थ ईयर डिग्री हो आपके पास 6.5 CGPA के साथ में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिसके पास CA, ICWA, CS, CFA, लेवल सेकंड USA की डिग्री वगैरह है, तो 55% मार्क्स के साथ में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई फाइनल ईयर के अंदर है और उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स वगैरह 30 जून तक पूरी हो जाती है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह इन्होंने यहाँ पर बताई है। इन्होंने बताया है कि कोई भी एडमिशन के लिए आवेदन कर रहा है तो उसको कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट के थ्रू ही जाना होगा, और जिसके पास GATE, GMAT, GRE, GRF, UGC, CISR वगैरह है, तो वो उसके ही रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करे। और यदि जो आपका GATE है, जो एडमिशन टेस्ट का आपका 2 साल के अंदर अंदर का हो, तभी वह कंसीडर किया जाएगा, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। और शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार से किया जाएगा वो भी बताया हुआ है, कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह देखा जाएगा, परफॉर्मेंस क्या रहेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपने दिया है उसके अंदर भी, और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के अंदर, और इंटरव्यू दिया जाएगा आपका तो उसके अंदर देखा जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन आपका मार्च या अप्रैल की 2024 को कंप्लीट दिखा दिया जाएगा, और आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा मई 2024 के अंदर अंदर। ये ब्रोशर भी है, ब्रोशर के अंदर जो डिटेल है वही सेम डिटेल यहाँ पर है, तो हम ब्रोशर नहीं देखेंगे। और इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन की लास्ट डेट वगैरह बताई है, तो 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो कुछ ही दिन बाकी है दोस्तों, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इनकी देख लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, तो जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए हैं कि आपको फोटो अपलोड करनी होगी, जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड वगैरह है तो वो PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने होंगे। और इन्होंने बताया कि SC ST के लिए 1,000 रुपये फीस रहेगी, और जो PWD कैंडिडेट है उसके लिए भी 1,000 रहेगी, और जनरल OBC EWS वालों के लिए 1,500 रुपये फीस रहेगी। और लास्ट डेट फिर से बताई हुई है कि इसकी 15 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस ईमेल आईडी पर भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी डिटेल देख पाएंगे, और डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।